हे गाइस, इट्स मी सईद आकिब। सो गाइस, जैसा कि मेरा पिछला कंटेंट था टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि जो हमारा अगला कंटेंट होने जा रहा है वो होगा टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड हैं। तो उन टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और साथ ही साथ हमारे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो जैसा कि इस चैनल पे मैंने पहला Q&A सेशन स्टार्ट किया था 1K सब्सक्राइबर्स पे, तो अब हमारे 2K सब्सक्राइबर्स पूरे होने जा रहे हैं। तो जैसा कि सब्सक्राइबर्स भी हमारे पास नए नए आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2K पे और एक Q&A सेशन किया जाए, राइट। सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपका जो भी सवाल होगा मेरे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, तो फिर मैं उन्हीं में से कुछ सवाल लूंगा, उसी पे फिर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो हमारा Q&A 2 आ रहा है जब हमारे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो गाइस, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइज, बात करेंगे हम इस वीडियो में टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर की। तो गाइज, हम स्टार्ट करेंगे नंबर 10 से, फिर जाएंगे नंबर 1 की तरफ, राइट। तो पहले हम देखते हैं नंबर 10 पे हमारे पास कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज आता है। तो अगर नंबर 10 की बात करें, नंबर 10 पे हमारे पास जो कॉलेज आता है वो है MBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जम्मू में लोकेटेड है। और अगर ये देखें कि ये एस्टैब्लिश कब हुआ है, तो एस्टैब्लिशड इन 1999। और अगर इसकी अब रेटिंग्स की बात करें, तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते होंगे कि एकेडमिक्स की रेटिंग है इसकी 7.3 out of 10, और फैकल्टी की रेटिंग है 6.5 out of 10, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग है 7 out of 10, अकोमोडेशन की रेटिंग है 5 out of 10, प्लेसमेंट्स की रेटिंग है 3.8 out of 10, और सोशल लाइफ की रेटिंग है 4.4 out of 10। और अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 5.7 out of 10। ये रही बात हमारी नंबर 10 की। अगर नंबर 9 पे देखें कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में, वो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है। और अगर इसकी भी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टैब्लिशड इन 1982। और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें, सेम थिंग यहाँ पे देख सकते होंगे आप, एकेडमिक 8.3, फैकल्टी 7.7, इंफ्रास्ट्रक्चर 7.9, अकोमोडेशन 7.4, प्लेसमेंट 5.9 out of 10, एंड सोशल लाइफ 7.2 out of 10। और अगर इसकी भी ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो वो है 7.4 out of 10। तो ये रही बात हमारे पास नंबर नाइन की। तो नंबर 8 पे हमारे पास आता है योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जम्मू में लोकेटेड है। और अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, एस्टैब्लिशड इन 1993। रेटिंग की बात करें तो एकेडमिक्स के लिए 6.5, फैकल्टी के लिए 6.3, इंफ्रास्ट्रक्चर 6, अकोमोडेशन 5.2, प्लेसमेंट की रेटिंग की बात करें तो 3.5, सोशल लाइफ की बात करें तो उसकी रेटिंग है 6 out of 10, ओवरऑल रेटिंग 5.6, राइट। तो अब अगर नंबर 7 की बात करें तो SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बारामुल्ला, जो कि एस्टैब्लिश हुआ है 1998 में। और अगर इसकी रेटिंग की भी बात करें तो एकेडमिक्स की रेटिंग है इसकी 7.4 out of 10, और अगर इसकी फैकल्टी की रेटिंग की बात करें तो 7.2, इंफ्रास्ट्रक्चर की 7.5, अकोमोडेशन की 6.7, और प्लेसमेंट की 4.8, और सोशल लाइफ की 7.4। और अगर ओवरऑल रेटिंग की भी बात करें तो वो है 6.8 out of 10, राइट। तो अब अगर बात करें नंबर 6 की, तो IUST, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, जो कि अवंतीपुरा में हमारे पास लोकेटेड है ये इंजीनियरिंग कॉलेज। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो एकेडमिक्स के लिए 8.4, फैकल्टी के लिए 8.2, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8, और अगर बात करें अकोमोडेशन की तो 6.9 out of 10, प्लेसमेंट की रेटिंग की बात करें 5.5 out of 10, सोशल लाइफ की बात करें 7.2 out of 10, ओवरऑल रेटिंग की बात करें 7.4 out of 10, राइट। तो बाकी आप देख सकते होंगे यहाँ पे आपने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा होगा, और बाकी मैं रेटिंग्स भी आपको साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूँ
इन कॉलेजेस की, राइट। तो अब अगर बात करें नंबर फाइव की, नंबर फाइव पे हमारे पास आता है मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MIET, जो कि जम्मू में लोकेटेड है। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो एकेडमिक के लिए 8.2, फैकल्टी के लिए 8.1, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8.1, अकोमोडेशन के लिए 6.8, प्लेसमेंट के लिए 7.2 out of 10, सोशल लाइफ के लिए 8 out of 10, ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 7.7 out of 10, राइट। अब अगर नंबर फोर की बात करें तो GCET जम्मू, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जम्मू में लोकेटेड है, एस्टैब्लिशड इन 1994। और एकेडमिक्स की रेटिंग की बात करें तो 6.3, फैकल्टी की रेटिंग की बात करें 6.5, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग की बात करें 6.2, अकोमोडेशन की रेटिंग की बात करें 5.5, प्लेसमेंट की बात करें 4.6 out of 10, सोशल लाइफ की बात करें 5.1 out of 10, एंड अगर अब बात करें इसकी ओवरऑल रेटिंग की, वो है 5.7 out of 10, राइट। तो अब बात करते हैं नंबर थ्री पे कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज आता है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो कि कटरा जम्मू में लोकेटेड है। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, एस्टैब्लिशड इन 1999। एकेडमिक्स की रेटिंग की बात करें 7.5, फैकल्टी की रेटिंग की बात करें 6.8, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 8.5 out of 10, अकोमोडेशन की बात करें 7.6 out of 10, प्लेसमेंट की बात करें 6.2 out of 10, और अगर सोशल लाइफ की बात करें 8.2 out of 10। अब अगर बात करें ओवरऑल रेटिंग की श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की, तो 7.5 out of 10। अब हम बात करते हैं नंबर टू की और नंबर वन की। नंबर टू पे जो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज आता है वो है IIT जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जम्मू में लोकेटेड है। और अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टैब्लिशड इन 2016। और अगर रेटिंग की अब बात करें तो एकेडमिक्स के लिए इसकी रेटिंग है 8.8 out of 10, फैकल्टी की रेटिंग है 8 out of 10, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग है 7.6 out of 10, अकोमोडेशन की रेटिंग है 8.8 out of 10, प्लेसमेंट की रेटिंग है 7.6 out of 10, सोशल लाइफ की रेटिंग है 8.6 out of 10। और अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो वो है 8.2 out of 10, राइट। तो ये हुई हमारे पास नंबर टू की बात, जो कि IIT जम्मू है नंबर टू पे, राइट। तो अब हम बात करते हैं नंबर वन की, जो कि है NIT श्रीनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। तो एस्टैब्लिशड इन 1960। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो एकेडमिक्स के लिए इसकी रेटिंग है 7.1 out of 10, फैकल्टी के लिए इसकी रेटिंग है 7.1 out of 10, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग है 6.8 out of 10, अकोमोडेशन की रेटिंग है 6.2 out of 10, प्लेसमेंट की रेटिंग है 6.6 out of 10, सोशल लाइफ की रेटिंग है 6.9 out of 10। और अगर इसकी ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 6.8 out of 10। बट एक चीज है जो NIT श्रीनगर है हमारे यहाँ कश्मीर में, उसकी जो NIRF रैंकिंग है वो बहुत बकवास है, जो कि बिटवीन 201 टू 250 है, जो कि अच्छी कंसिडर नहीं की जाती। बट ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, राइट। तो गाइज ये रही बात टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास लोकेटेड है। आई होप इस वीडियो से आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। और गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे 2K सब्सक्राइबर्स पूरे होने जा रहे हैं, तो हम अपना दूसरा Q&A सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वंस हमारे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। अब आपका जो भी सवाल होगा मेरे रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आफ्टर दैट मैं कुछ सवाल लूंगा उनमें से, जिनका मैं जवाब अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, राइट। सो गाइज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।